आरएफ की टीम को रवाना तो कर दिया गया है, लेकिन अभी देखना होगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर तक चलेगा। हमारे साथ इस समय एसएस पानेसर, जो कि एविएशन एक्सपर्ट है, एक्स डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी एंड ट्रेनिंग इंडियन एयरलाइंस के रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह की जब बरसात होती है और जब हम एक टेबल टॉप रनवे की बात करते हैं, क्या खतरे, किस तरह की परिस्थितियां और इस समय जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस हादसे के बारे में आपको क्या आकलन है आपका? देखिए, जब भी बारिश होती है, देन पायलट हैज टू प्रिपेयर इन एडवांस फॉर ए लैंडिंग एंड ही हैज टू डू अ प्रॉपर लैंडअप। कैलिकट इज अ वेरी क्रिटिकल रनवे एंड ही हैज टू मेंटेन द प्रॉपर स्पीड फॉर लैंडिंग। इफ ही कम्स विद अ वेरी हाई स्पीड फॉर लैंडिंग ऑन अ वेट रनवे, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट विद इन द रनवे लिमिट्स। एंड इफ द एयरक्राफ्ट स्टार्ट्स स्किडिंग, देन ही हैज टू मूव द नोज व्हील इनटू द डायरेक्शन ऑफ द स्किडिंग। इफ ही डज इट इन द अपोजिट डायरेक्शन, the aircraft will skid more. These are the precautions the pilot has to take it. Now, I have also come to know the pilot has been found, commander has been found dead. Now, we have to see whether he died before landing or after landing. These things are only the, after the inquiry, we can find it out. But on a wet runway, pilot is... अगर आप हिंदी में समझा पाए हमारे दर्शकों को, चूंकि एक तो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं इसमें, तो थोड़ा अगर हार्ड लैंडिंग कह रहे हैं कि हार्ड लैंडिंग क्या होती है और इस जगह पर कितनी खतरनाक हो सकती है? इसी जब आदि ज्यादा स्पीड से आते हैं, पहले तो उसको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कालीकट का रनवे बड़ा क्रिटिकल छोटा रनवे है, इसके लिए उसको इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे टच डाउन करना पड़ेगा। अगर वो डिस्टेंस मिस कर गया तो जहाज रनवे से बाहर निकल सकता है। हार्ड लैंडिंग का मतलब कि यह टू हिट द ग्राउंड, अगर उसने बहुत हाई स्पीड से हिट करा तो तब भी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। नो, अब जहाज स्किड हुआ है कि किस किस डायरेक्शन में गया, स्ट्रेट वे या रनवे क्रॉस कर गया, ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। और डीएडबी स्पीड कितनी थी लैंडिंग के टाइम पे, अगर स्पीड बहुत ज्यादा थी तो वेट रनवे में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चूंकि ये टेबल टॉप रनवे है, सामने चारों तरफ घाटियां ही घाटियां हैं यहाँ पर, तो ये रनवे बड़ा क्रिटिकल रनवे है। हालांकि राहत ये रही कि टूटने के बाद वो हिस्सा गिरा नहीं घाटी में, वो गिरा नहीं, वो ऊपर ही रहा, और इसीलिए क्या इससे कम से कम रेस्क्यू थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा आसान और सर्वाइवेबिलिटी जिसको कहते हैं, यानी लोगों के बचने की जो गुंजाइश होती है वो ज्यादा हो जाएगी? यस, हो सकता है। केबिन क्रू हैज टू बी देयर, ऑल वेरी वेल ट्रेन्ड टू टेक द पैसेंजर्स आउट। नाउ इन व्हाट डायरेक्शन द एयरक्राफ्ट इज ब्रोकन, व्हाट पीसेस आर ब्रोकन, एंड केबिन क्रू जो होते हैं उनके जो इवैक्यूएशन है, दैट डिपेंड्स ऑन द केबिन क्रू। तो जो मतलब अंदर एयर होस्टेस वगैरह या फ्लाइट पर्सन, उन्होंने कैसे कंट्रोल करी है आफ्टर टच डाउन। बिकॉज पायलट अगर हाई स्पीड से लैंड कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और अगर हार्ड लैंडिंग करी है और किस डिस्टेंस पे करी है टच डाउन का, रनवे बड़ा क्रिटिकल रनवे है, बड़ा लंबा रनवे नहीं है यहाँ पर जो कि वो कंट्रोल कर सकेगा। और हार्ड लैंडिंग से अगर जहाज वहां से टूट, इवैक्यूएशन जो केबिन क्रू के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकती है उस वक्त। लैंडिंग के समय जो हादसा होता है सर, उसमें क्या मतलब इस तरह की बात जानकारी दी जाती है कि जो लैंडिंग के समय अगर कोई हादसा हुआ है तो उसमें ज्यादा बेहतर गुंजाइश होती है कि लोग बचें, मतलब कैजुअलिटी कम रहती है? हार्ड लैंडिंग हो या सॉफ्ट लैंडिंग हो, केबिन क्रू जो है उसको बड़ा अलर्ट होना पड़ता है लैंडिंग के टाइम पे, और पायलट उनको अलर्ट कर देते हैं कि लैंडिंग इन 1 मिनट और 2 मिनट्स। नो, अब वेरी हार्ड लैंडिंग से जहाज कैसे टूटा है और वो जो इवैक्यूएशन है जो वो केबिन क्रू के ऊपर डिपेंड करती है कि कहाँ से जहाज टूटा, केबिन क्रू ने पैसेंजर कहाँ से निकालने हैं, ये केबिन क्रू के हाथ में होता है। और पायलट अगर रनवे हाई स्पीड में लैंड करा तो उसमें आग लगी थी लेकिन उसे जल्दी काबू में किया गया, पीछे वाले हिस्से में आग नहीं लगी, राहत की बात ये रही। क्योंकि ऐसे हादसों में सर आग लगने से ज्यादा क्षति की वो रहती है, आशंका रहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आग लगने से और ज्यादा मुश्किल हो जाती है कंट्रोल करने के लिए कि पैसेंजर को किस तरफ से उतारना है, बिकॉज जहाज में कितना फ्यूल है, कहाँ पर आग लगी, काफी बहुत ज्यादा आग लग गई तब भी कंट्रोलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है उसके लिए। पर जिस तरह का मौसम है उसमें क्या कई बार स्किल और विमान सब पीछे रह जाते हैं, मौसम बहुत ज्यादा हावी रह सकता है ऐसे इस तरह की कंडीशंस में, ऐसे खतरनाक रनवेज पर?
श्वेता जी, और जितने भी पायलट हैं इनकी सबकी ट्रेनिंग हर टाइप के वेदर में की जाती है। उनकी ट्रेनिंग होती है, रूट चेक्स होते हैं, हर तरह के वेदर में उनको लैंडिंग के लिए प्रैक्टिस होती है। लेकिन अब ये पायलट किस स्पीड में लैंड करा है, दैट इज डिपेंड, और इसने प्रॉपर प्लानिंग करी है कि नहीं रनवे के लिए। वहां पे इंस्ट्रूमेंट एक लैंडिंग, एक दो तीन, तब आप रनवे दूर से देख सकते हो, विजुअल लैंड मतलब जैसे तुम देख सकते हो। एक होती है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग, जो कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के डिपेंड करके आप लैंड करते हो। अब उसे कौन सी अप्रोच करिए ये देखना पड़ेगा वहां पे एटीसी पे, कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग कर रहा था या विजुअल रनवे कर रहा था। दोनों में रात के टाइम पे थोड़ी जजमेंट में गलती हो सकती है। लैंडिंग टचडाउन, टचडाउन कहाँ करा है, अगर उसने नॉर्मल टचडाउन जोन के आगे लैंड करा है तो हार्ड लैंडिंग करिए, उससे जहाज का स्ट्रक्चर टूट सकता है। जो पता लग रहा है कि जैसे जहाज का स्ट्रक्चर टूटा है, मतलब बहुत हैवी लैंडिंग करी है उसने उसको। बाकी ये सारी चीजें जो है फ्लाइट रिकॉर्डर होता है और उससे पता लग जाएगा भी कितनी हार्ड लैंडिंग करी है, वो तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। हमारे साथ इस समय जी जी